हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग अकेडमी। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम पढ़ेंगे, क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे क्या होता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल, सबसे पहले हमें पता करना है कंट्रोल क्या है। देखिए, बायोलॉजी का हमारा ये जो है एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये आपको 7वां चैप्टर नजर आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब आप बायोलॉजी की अलग रिफ्रेशर की बुक खरीदेंगे तो वहां पे आपको जो है 3रा चैप्टर मिलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, या 2रा चैप्टर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है बेटा, देखिए कंट्रोल क्या है, जैसे जब हम अपने घरों में रहते हैं, जब आप कहीं जॉब करते हैं तो क्या होता है, आप किसी के कंट्रोल में काम करते हैं, या जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप क्लास में बैठे हैं तो आप किसी के कंट्रोल में हैं। किसके कंट्रोल में है, क्लास टीचर के कंट्रोल में है, सब्जेक्ट टीचर के कंट्रोल में है, कोई टीचर है किसके कंट्रोल में है, प्रिंसिपल के कंट्रोल में है, प्रिंसिपल किसके कंट्रोल में है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक बंदा किसी न किसी के कंट्रोल में काम करता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में बेटा जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो जो भी पार्ट है हमारे बॉडी का, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सभी किसी न किसी के कंट्रोल में ही काम करते हैं। अगर कंट्रोल ना हो किसी के ऊपर, मान लीजिए कि आप क्लास में हैं, क्लास में जो क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है, अगर उसका कंट्रोल आपके ऊपर ना हो, तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब क्लास में टीचर नहीं होता था तो क्या होता, बच्चे क्या करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से जो है झगड़े करते रहते हैं, कुछ कोई सामान उनका उठा लिया, किसी ने उनका उठा लिया, तो आपस में क्या होता है, झगड़े होते रहते हैं या मजाक होते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते कि हाँ टीचर नहीं आया तो मैं बैठ करके पढ़ूं। क्यों, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, और जैसे ही टीचर आता है सब आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसे भी टीचर होते हैं, कोई टीचर बहुत ज्यादा लिबरल होता है, बहुत ज्यादा लिबरल है तो उसके क्लास में भी बच्चे जो है कंट्रोल में नहीं रहते हैं, क्लास में भी बातें क्या करते हैं, है ना। तो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है बेटा दो ऑर्गन या दो से अधिक ऑर्गन जब एक साथ समन्वय बनाकर, एक साथ मिल करके प्रॉपरली अपना काम करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन की हिंदी होती है समन्वय। अब अभी भी नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, बाहर रहने गए हैं, पढ़ाई करने गए हैं या किसी भी काम से गए हैं, स्टूडेंट है कोई अदर पर्सन भी है तो बाहर गया है, तो क्या करता है वो जो है रूम लेता है, तो रूम लेता है, बाहर रूम के रेंट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है, वो अपना पार्टनर खोजता है, पार्टनर खोजता है, तो पार्टनर जब खोजेगा तो कैसे खोजेगा भाई, ऐसा पार्टनर खोजेगा जिसका बिहेवियर उससे मैच करता हो, जिसका सोच विचार ना 100% तो 80% 70% तो मैच करता हो, और मैच करेगा तभी दोनों के बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। गलती से कभी कभार क्या होता है, गलत मित्र मिल जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं तो क्या होता है, थोड़े ही दिन में उनमें जो है झगड़े हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, दोनों का विचार नहीं मिला,
दोनों की थिंकिंग नहीं मिली, दोनों के बिहेवियर सही नहीं रहे। वो पान मसाला गुटखा खाता है, वो सादा सुहाना लड़का है, तो दोनों में मैचिंग नहीं हो पाएगी। खा करके कमरे में थूकेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा एक दो बार, नहीं मानेंगे, झगड़ा होगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब जब बच्चे सेम थिंकिंग के होंगे, सेम बिहेवियर के होंगे, तो दोनों में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा और दोनों एक साथ रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक एक साथ रहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन हुआ। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब साथ साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों एक दूसरे को हेल्पफुल हो, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अच्छा, अब आती है बात हमारे बॉडी की कि हमें हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग कैसे होती है। हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरह से मेनली होता है। क्या क्या है? एक होता है केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल होता है बेटा, और एक होता है नर्वस कंट्रोल, एक होता है नर्वस कंट्रोल, ठीक है बेटा। ये दो तरह से हमारे बॉडी में जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, दो तरह से कंट्रोल होते हैं। एक केमिकल कंट्रोल, केमिकल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और दूसरा है नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। केमिकल्स के द्वारा जो कंट्रोलिंग होती है हमारे बॉडी में बेटा, राजा बेटा, वो होता है हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, हमारे बॉडी में डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से होती है सिक्रीट बेटा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रीशन होता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड भी कहा जाता है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे बेटा, फिलहाल आइए देखते हैं। तो जो केमिकल हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो कंट्रोल किए जाते हैं, उसको कहा जाता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जो नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उसको नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है बेटा। नर्व्स के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, केमिकल के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर सर्वाइवल एन ऑर्गेनिज्म बॉडी मस्ट रिपोर्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलस, स्टिमुलाई टू रिसीव्स, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, मैंने बता दिया हार्मोन्स के द्वारा होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, लेकिन किसका कंट्रोल, किसका कोऑर्डिनेशन। देखिए, कंट्रोल कब हो, कंट्रोल की जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस क्या है, ये स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, स्टिमुलाई क्या है, एनी थिंग्स विच चेंज द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्टिमुलाई। कोई भी वो चीज, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो नर्व्स हो, कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो, चाहे जो चीज हो, जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है, उसी को कहा जाता है स्टिमुलाई।
जैसे मान लीजिए ठंडी आए ना, ठंडक आए, तो ठंडक जब आई तो लोगों ने क्या किया, कपड़े पहनना शुरू किया। ठंडक आई, शिवरिंग हुआ, ठंडक लगने लगी बॉडी में, तो लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। यानी कि जो ठंड है वो स्टिमुलस है, ठीक है। ज्यादा गर्मी आती है, जब गर्मी आती है तो लोग कपड़े पहन कम कर देते हैं। तो जो गर्मी है सॉरी, जो गर्मी है वो क्या है, वो स्टिमुलस है। कोई आदमी जा रहा है, सामने से उसके कोई ऐसा जानवर आ गया जिसको देखकर वो डरता है। मान लीजिए कि सामने आराम से जा रहा है, सामने लड़ते हुए दो बैल आ गए, दो लड़ते हुए बैल आए, तो क्या हुआ, खर से आप उसके क्या करोगे, भागोगे दूसरी साइड में। तो क्यों भागे, क्योंकि आपको कोई चीज दिखाई पड़ा, किसके रूप में, स्टिमुलस के रूप में। यानी कि वो दो लड़ रहे बैल आपके लिए क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस, दूसरी चीज लिखी हुई है इसमें, रिस्पॉन्ड क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। जब किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स, वो चीज है, वो एक्शन है, रिस्पॉन्स एक एक्शन है जिसमें किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिएक्शन किया जाता है। किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्शन करता है, रिएक्शन करता है, तो उसी को रिस्पॉन्ड कहा जाता है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब दो बैल लड़ रहे होते हैं तो उसे देखकर आप भागते हैं, तो लड़ते हुए बैल आपके लिए स्टिमुलस, आप उसके अगेंस्ट, ये तो है ना कि जिधर लड़ रहे हैं उधर ही आप चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, आप उसके विपरीत दिशा में आप भागते हैं। तो ये रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। आप कोई चीज जल रही है, कोई बर्तन है, गर्म है, गर्म तवा है, पैन है, आप गलती से गए और आपका हाथ लग गया, तो आपका हाथ लगा तो खट से आप अपने हाथ को हटाओगे। तो हाथ को हटाया आपने, यानी कि रिस्पॉन्स किया, किसके अगेंस्ट, उस हीट के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स दिया आपने हीट को, कि हाँ भैया ये गर्मी है, गर्म चीज है कोई जो हमको जल चुभ रही है, जल हमारा हाथ जल जलने लगा, हमने अपना हाथ वहां से खट से खींच लिया। तो ये जो एक्शन है, जो हमने अपना हाथ खींचा, ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। तो फॉर सर्वाइवल एन ऑर्गेनिज्म बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलाई इट रिसीव। हमारी बॉडी अलग अलग तरह के स्टिमुलस को रिसीव करता है और उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्ड करता है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्टिमुलस मैंने आपको बता दिया, स्टिमुलस क्या है, एन एजेंट आर सडन चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट विच काज चेंज इन द एन ऑर्गेनिज्म आर एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एजेंट जो बॉडी के और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंट को चेंज कर दे, पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट को चेंज कर दे, या बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई परिवर्तन ला दे, कोई चेंज ला दे, तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है, द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टिमुलस। ऐसा चेंज, ऐसा एक्शन जो स्टिमुलस के अगेंस्ट दिया गया है, किया गया है, वो रिस्पॉन्स कहलाता है। रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है, वो पार्ट, वो ऑर्गन बॉडी का जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, बॉडी का वो पार्ट, वो ऑर्गन, वो अंग जो किसी स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर कहलाता है। नर्व सेल्स विच इनिशिएट वेव्स ऑफ इंपल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग अ स्टिमुलस। रिसेप्टर क्या है, मैंने जनरल भाषा में आपको बता दिया कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है वो रिसेप्टर कहलाता है। इफेक्टर, रिसेप्टर ही इफेक्टर होता है। भाई मान लीजिए कि हमें कोई नीडल चुभी हमारे हाथ में, तो नीडल चुभा तो ये स्टिमुलस नीडल हुआ, तो स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, हमारे इस फिंगर ने,
हमारी इस अंगुली ने रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव किया, तो जब रिसीव किया तो ब्लीडिंग यही इसी उंगली में होगा ना, अपने हाथ अपनी उंगली को यही तो हटाएंगे हम, तो इफेक्टर यही इफेक्टर है, यही पर इफेक्ट हुआ है, यही रिसेप्टर है, तो मोर और लेस इफेक्टर और रिसेप्टर दोनों सेम होते हैं। फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का क्या काम है, मैंने आपको बताया कि इधर जो हमारा बॉडी है वो दो तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेट होता है, एक केमिकल कोऑर्डिनेट होता है केमिकल के द्वारा, एक नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होता है। पहले हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल, क्या पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, किससे बना हुआ है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन है, जिसमें नर्व्स दो होती हैं, वो पतली पतली जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और पूरा नर्वस सिस्टम एक यूनिट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। यानी राजा बेटा, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है, यानी कि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिल करके तब एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स क्या हैं, कैसे बने होते हैं? न्यूरॉन्स में दो पार्ट होता है बेटा, एक होता है साइटॉन और एक होता है एक्सॉन। एक होता है साइटॉन और एक होता है एक्सॉन। ये देखिए, ये न्यूरॉन है, ये जो है यह ब्यूटीफुल डायग्राम है, ये जो है हमारा न्यूरॉन है बेटा। ठीक है, एक मिनट, ये न्यूरॉन है जिसे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है साइटॉन या सेल बॉडी कहा जाता है। ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको एक्सॉन या सेल प्रोसेस कहा जाता है, एक्सॉन या सेल प्रोसेस भी कहा जाता है, सेल बॉडी को साइटॉन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन दो तरह का होता है, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक होता है बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन जिस न्यूरॉन में माइलिन सीथ पाई जाती हो, क्या पाया जाता हो, माइलिन सीथ, सीथ का मतलब एक लेयर पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती हो, ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन की एक कवर पाई जाती हो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है, और ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन सीथ एब्सेंट रहता हो, नहीं पाया जाता हो, उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है बेटा। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इंपल्स थोड़ा स्लो चलता है,
माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इंपल्स बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। बहुत सारे न्यूरॉन्स इस तरह से आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स से बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। इस ब्रांच को कहा जाता है डेंड्राइट, ठीक है। और डेंड्राइट्स के नीचे पहले ये देखिए, पहले जो स्टार है ये स्टार से पहले एक ब्रांच निकला है। इस एक ब्रांच को, इस सिंगल ब्रांच को डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहता है? डेंड्रॉन, ठीक है बेटा। तो डेंड्रॉन और आगे चल के ब्रांच हो जाता है जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। अब डेंड्राइट्स का क्या काम है, अभी देखो। पहले इधर देखो, डेंड्रॉन जो एक्सॉन है, एक्सॉन की जो नर्व है उसका जो एंड पार्ट है जिसको नर्व एंडिंग कहा जाता है, नर्व एंडिंग या साइनेप्टिक बटन भी कहते हैं इसको, साइनेप्टिक बटन कहिए, साइनेप्टिक नॉब कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो साइनेप्टिक बटन, साइनेप्टिक नॉब या नर्व एंडिंग जो होता है वो न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब मैं फोर्स यहां पर क्यों कर रहा हूं, इस नर्व एंडिंग पे और इस डेंड्राइट्स पे फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है न्यूरॉन के बीच में, जो नर्व इंपल्स जो है, जो नर्व इंपल्स के बीच में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स जाता है उसके बीच में जो चेंजिंग होती है वो यही नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच में ही होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे साइनेप्स, क्या पढ़ेंगे, साइनेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइनेप्स क्या है अभी बताएंगे, पहले आगे देखिए। द थ्री मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन आर, न्यूरॉन में तीन मेन पार्ट होता है, मैंने तो दो ही बताया, पहले साइटान है और एक्सॉन है। देखिए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है, इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म, इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम साइटॉन कहते हैं, इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये साइटॉन जो है, जो न्यूक्लियस लिए रहता है और कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी पाया जाता है इसमें। फिर है डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स को जानने से पहले डेंड्रॉन्स होता है, उसके बाद डेंड्राइट्स होता है। डेंड्रॉन क्या है, जो ब्रांच निकली होती है एक इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर से, एक जो ब्रांच निकला हुआ होता है उसी को कहा जाता है डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन के आगे जो ब्रांच होता है, जो बाइफर्केटेड, जो डेंड्रॉन बाइफर्केटेड होता है, उस बाइफर्केशन को, इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर एक्सॉन, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी, द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैव स्वॉलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो नर्व, ये जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में इस तरह होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है। जब साइनेप्स बताएंगे आपको हम, तो वहां में डिटेल में आपको बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या है, बात सेंसरी ऑर्गन क्या है, सेंसरी ऑर्गन वो पार्ट हमारे बॉडी का, वो पार्ट जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है, हमारे बॉडी का वो पार्ट जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन कहलाता है। जो हमें कोई सेंस देता है, ठंडी का सेंस देता है, गर्मी का सेंस देता है, बरसात का
सेंस देता है, डर का सेंस देता है, भूख लगने का सेंस देता है, प्यास लगने का सेंस देता है ना, उसको कहा जाता है सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं बेटा। क्या 5 सेंस ऑर्गन क्या है? नंबर 1 स्किन, कोई भी स्टिमुलस आपको मिलेगा तो पहले कहां मिलेगा? स्किन पे मिलेगा। नंबर 2 आई, आंख हमारी जो है ये सेंसरी ऑर्गन है। नंबर 3 नोज। नंबर 4 टंग। नंबर 5 एयर, ठीक है, नोज एयर आईज है ना, टंग्स और स्किन, ये 5 हमारे नोज आईज टंग और एयर और स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं बेटा। किस किस चीज का सेंस देते हैं? नोज हमें सेंस देता है स्मेल का। नोज हमें किसका सेंस देता है? नोज हमें स्मेल का सेंस देता है। आईज हमें सेंस देता है बेटा साइट का, देखने का, कोई चीज देख करके जब हम स्टिमुलेट होते हैं तो उसको कहा जाता है कि हमारी आंखों ने उसको देखा। जैसे मैंने आपको बताया 2 बैलों को लड़ते हुए देखा, तो किसने देखा? हमारी आंखों ने देखा, ठीक है। फिर टंग, ये क्या करता है? टेस्ट, टेस्ट का सेंस देता है। किसका देता है? टेस्ट का सेंस देता है, ठीक है बेटा। फिर है एयर, सुनने, हेयरिंग, हेयरिंग का सेंस देता है। और स्किन, स्किन हमें टच का सेंस देता है बेटा, ठीक है। आगे हम जो है बेटा अपना जो इसके आगे की चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये कंप्लीट हम आपको अपने अगले लेक्चर में डिलीवर करेंगे बेटा। थैंक यू।